कृष्णपादान सहगन ललिता श्री विशाखानितांस ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् श्री गुरवे नमः नामयं गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने नामयं विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायणेति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्ष औदार्य माधुर्य गुणैः सयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं स्तं शिरसा नमामि नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमर्त चरित्राय स्वाश्रितानंच पालिने जीव दुखे दात्राय श्री नाम प्रेम दायिने नामयं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्री वार्षभानवि देवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य जल प्रेमाढ्य त्रिरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा सति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी दिनतारिणे श्री रूपानुग विरुधाप सिद्धांत दंत हारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबुधे पादाम्बुजाते नमः नाम भक्ति विनदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानु गबरायते गौर आविर्भाव मिष्टं निर्दिष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय प्रियाय केशवस्य च कृष्णदेवी सत्यै नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ, अगर गौड़ी गीति कुछ हो निकाल दा संसार दहने दग्ध जीव कुला उधर कारणी करुणा बारी द कृपा बारी दानी बंदित गुरु चरणा का माला नृत गीता वाच श्रीहरि कीर्तनी रहे नमगना महामाता मनी रोमांच संपासु आए गौर प्रेमी बंदित गुरु चरणा का माला सदा रसालिनी विग्रह सेवनी श्रृंगार विहार मंदिर मार्जनी करीन निजुक्त अनुगत जनी वंदित गुरु चरण कमल सर्व कुशल जा पेयर समय प्रसाद कृष्ण
अतिपदोहै भक्तास्वादने निज तृप्ता रहे वंद से गुरु चरण कमल श्री राधा माधव नाम रूप गुने अनंत माधुर्य लीलास्वादने लोभ जित जिनी हन प्रतिसने वंद से गुरु चरण ब्रज जुवद्वंद रति संवर्धनी युक्ति कर सखी सन वृंदावनी अति दक्षताए प्रियतम गनी बंद से गुरु चरण कमल सर्वशास्त्री गाए श्री हरि स्वरूप भक्तगण भावे से किंतु जी प्रभु प्रियतम रूप बंद से गुरु चरण कमल दहर प्रसाद कृष्ण कृपा पाई जार प्रसादे अन्य गति नहीं त्रिसंध कीर्तिरा सब धनी भाई बंद से गुरु चरण कमल गुरुदेवास्तक अति जत्न करी प्रामि मुहूर्ते पड़े उच्च करी वृंदावन नाथ साक्षात श्री हरि सेवा पाए से वस्तु अनिलाचलवासी जत महाप्रभुर गायन भूमि से परिया बंद सवर चरण नवदीपवासी जत महाप्रभुर गवर चरण बंद आया I
गर्भवाचिका के आए जाम बंद को दे जगत दुर्लभया प्रेम धन लोटे मन रवासना पुन अचिरात देवकी नंदना दास हेलो जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव श्री कृष्ण अगर यहाँ पर कर सकते तो लोग जैसे अच्छा लगता है केवल जैसे गुरु जी को जैसे करते हैं ना एकदम आसन ऐसे गुरु जी को केवल नाम जैसे समय एकदम नानियम श्री भक्ति प्रज्ञान के अगर ऐसे आसन या बिछा करके यात्रा कर दो तो अच्छा लोग को देखेंगे उनका आचरण किया और सब फूल है ना पुष्पांजलि देने के लिए जिनका चरण तरफ पुष्पांजलि देने के बाद क्योंकि उसके बाद में प्रसाद पाएंगे अगर यहीं पर एक आसन बिछा करके एक बार डर लग रहा है कार्यराजुकाय प्रतिकूल भाव वर्जनाय तरंग शरण आई बेजार प्रार्थना सुने त्रिनंद कुमार हरे कृष्ण गति कुछ है तुम लोगों के पास में सबके पास में है नहीं है खरीद लो हाँ लिख दो वहाँ पर लिख दो जय जय हरि नाम निकाल दो उसमें होगा भगवान के नाम की महिमा है 104 जय जय हरि नाम शिवानंद मृत भर तत्व अक्षराकार निज जनी कृपा करी नाम रूपे राव करी जीव दया कृष्ण नाम
ये जो बंगला कीर्तन है इसमें कहते हैं जय जय हरि नाम चिदानंद अमृत धाम पर तत्व अक्षर आकार। इसका मतलब है कहते भगवान हमारे ऊपर में कृपा करने के लिए कलयुग में किस रूप में ठाकुर जी आए, भले भगवान अपना नाम रूप में आए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधार और सुमेरी सुमेरी नर उतर ही परा। कलयुग में ज़्यादा कुछ परिश्रम की जरूरत नहीं, बस हाथ में काम और मुंह में ठाकुर का नाम लो, इससे ही कल्याण हो जाएगा। इसलिए भगवान कलयुग में, हमने तो भगवान को देखा ही नहीं, इसलिए ठाकुर जी कलयुग में अपना नाम रूप में जगत में अवतरण हुए। जैसे हम अपना नाम, अगर आप मेरे नाम का अगर कोई दूसरे जगह पर बोलेगा थोड़ी हम जा सकते, लेकिन भगवान का नाम ऐसे नहीं। इसलिए कहते नाम ही को चिंता रहती है, नाम ना हो बदनाम, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम। इसलिए भगवान कलयुग में ये नाम रूप में ठाकुर जी अवतीर्ण हुए। लेकिन देखने के लिए तो लगता है जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, लेकिन यह कहते नहीं, ये भगवान ही चिदानंदामृत धाम। भगवान का नाम कैसे है, सत चित और आनंद स्वरूप भगवान की नाम है, है? इसलिए कहते डाके यदि कौन जन होए दिन अकिचन, अगर कोई व्यक्ति दीनहीन होकर के भगवान का नाम कर लेता है, हैं डाके यदि कौन जन होए दिन अकिचन नाही देखी अन्य प्रतिकार, तब स्वल्प स्फूर्ति पाए उग्रताप दूर जाए लिंग भंग है अनासी। मतलब है अगर कोई दीनहीन होकर के भगवान के चरण में शरण ले ले, भगवान का नाम की शरण में ले ले, तो उसका जितने दुख कष्ट सब दूर हो जाता है, और जो जड़ शरीर नष्ट होकर के उसको अपराकृत दिव्य उसको भगवत शरीर उसको भगवान की शुद्ध भक्त का रूप उसको प्राप्त होता है। इसलिए कहते आच्छे ताप जीवे जातो तुम्हें सब कर रहता, जगत में जितने ताप है दुख कष्ट है भगवान का नाम से क्या होता है, सब भगवान का नाम से नष्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर भक्तिमय ठाकुर कहते हैं हाँ, इसलिए ओहे कृष्ण नामाख्यर तुम्ही सर्वशक्ति धर जीवर कल्याण वितरणी, जीव के कल्याण करने के लिए हे प्रभु का नाम आपका अंदर में सारे शक्ति भगवान की नाम में। इसलिए बोले राम ना सकई नाम गुण गाई, भगवान का नाम में इतने शक्ति है, भगवान राम को भी पता नहीं मेरे नाम में कितने शक्ति, कहते भगवान भी अपना नाम की महिमा को गा नहीं सकते, इतने नाम की महिमा। इसलिए ये जो हम लोग जो भजन गाए ना, इसमें नाम की सारे महिमा को उन्होंने वर्णन किया है, कैसे ठाकुर ही कलयुग में अपना गोलोक वृंदावन से हमारे कल्याण करने के लिए ये नाम रूप में जगत में अवतीर्ण होगी। इसमें बहुत अब लोगों को समझ में इतना नहीं आया होगा,
लेकिन उसमें बहुत अच्छी अच्छी बात इसमें बताई। ठीक है, अभी आप लोगों के पास में निकाल दो राधा कृपा कटाक स्तोत्र। देखो इसी, देखो ये जो महीना है, हाँ ध्यान देके सुना, ये जो महीना है, ये महीना का नाम क्या है? ये महीना का नाम राधा दामोदर व्रत है, और ये महीना का नाम ऊर्जा व्रत है। ये क्या नाम है? ऊर्जा व्रत है। और ये महीना का नाम नियम सेवा, अलग अलग सब नाम है, हैं अलग अलग नाम। और ये महीना की जो अधिष्ठात्री देवी, ये स्वयं श्री राधा रानी। और राधा रानी कृष्ण से भी ज्यादा दयालु राधा रानी। कृष्ण तो तीन जगह से टेढ़े हैं, इसलिए उनकी भक्ति भी टेढ़ी है, उनका नाम भी टेढ़ो है, उनका गांव धाम भी टेढ़ो है, उनकी नदी भी टेढ़ो है। इसलिए बोले तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, हैं गोकुलू तेरा टेढ़ी मैया तेरी टेढ़ो, टेढ़ो रे टेढ़ो तेरी जसोदा डुकरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। लेकिन हमारे राधा रानी ऐसे नहीं, राधा रानी बड़ी दयालु, बड़ी कृपालु श्री राधा रानी। इसलिए वृंदावन में जाओ तो कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, क्या किसका नाम लेते हैं? जोर से बोलो, वृंदावन में सबके सब श्री किशोर जी की राधा जी का नाम लेते। कारण क्या है? बोले राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। इसलिए इसी महीना की जो अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी, थोड़ी सी कुछ कर लो बस राधा रानी प्रसन्न हो जाएगी इस महीना में। इसलिए अभी जो हम लोग जो स्तुति गाएंगे, ये इसका नाम है राधा कृपा कटाक स्तोत्र। इसका मतलब है अगर ये स्तोत्र को कोई पढ़े तो उसको ऊपर में राधा जी की जरूर कृपा होगी। और इसमें इतने शक्ति, कोई राधा कुंड में खड़े होकर के 108 बार इसको पढ़ ले, कहते राधा रानी स्वयं राधा कुंड से प्रकट होकर के उसको दर्शन देती, इतनी महिमा ये स्तोत्र की। इसलिए इसी महीना में ये राधा रानी की ये स्तोत्र को पढ़ने का बड़ा महिमा है। इसलिए आप लोग पास पास में जितने होंगे, पास पास में बैठ करके सबके सब हम लोगों को साथ में ये स्तोत्र को पढ़ लो। बोले मुनिन्द्र बृंद बंदिते त्रिलोक शोकहारी प्रसन्न वज्र पंकज निकुंज वो विलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते सदा हरी सिंहम कृपा कटाक्ष वाजनम अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रबाल बाल पल्लव प्रभारुणांद्रिको बराबया पुरात करे प्रभुत सदालय सदा करे सतीया मम कृपा कटाक्ष अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवम सभी भ्रमम तथा भ्रमम त्रिगंत वायन पात निरंतरम वसे कृत प्रतीति नंद नंदने सदा करी सती रम कृपा कटाक्ष भाग सुवर्ण चंपक प्रदीप गौर विग्रहे मुख प्रभाकोटिधारेन्दुमेत्र संचर चकोर सावलोचने सदा करी सी रम कृपा कटाक्ष मधोत्मदादि जौवनि प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास अनन्न धन्न कुंज राज काम केलि कोविदे सदा करि सती रमा कृपा कटाक्ष भाजन अशेष भाव धीर हिरहार भूषिते
कुंभ 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 प्रसादुर पूर्ण सौख सागरे सदा करी सतीयमा कृपा कटाक्ष भाजन मृणाल बाल वल्लरी रंग दोलते श्री गुरुदेव कहते थे, भक्तिमन ठाकुर कहते हैं, कृष्ण नाम गुने भाई राधिका चरण पाई राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र। इसका मतलब है जैसे हम अभी राधा रानी की स्तुति की, राधा रानी का स्तुति में राधा जी का नाम स्तुति में कौन खुश होते हैं? राधा रानी जितना खुश होते हैं ना, उसे ज्यादा खुश कृष्ण होते हैं। इसलिए बोले राधा नाम गाने भाई श्री कृष्ण चरण पाई। जब राधा रानी खुश होती है कृष्ण का चरण मिलता है, लेकिन जब कृष्ण खुश होते हैं ना तब राधा जी की चरण मिलता है। इसलिए राधा जी का नाम से कृष्ण खुश होते हैं और कृष्ण खुश से राधा रानी खुश होते हैं कृष्ण नाम से। इसलिए उसके बाद में हम श्री नंद नंदनाष्टकम उसको दो सन्ना निकाल लो।
नमामि नंदनंदनम 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 उदारुहक मंडलम सुकर्ण रत्नकुंडलम उदारचितांगचंदनम नमामि नंदनंदनम रुद्रनेत्र पंकजम शिखेशिखण्डमूर्धजम् अनङ्गकोटिमोहनम् नमामि नन्दनन्दनम् सुनासिकाग्रमौक्तिकम् स्वसन्तदन्तपङ्क्तिकम् नवाम्बुदाम्बकीकरणम् नमामि नन्दनन्दनम् करेण वेणुरन् करेन्द्रगन्धितं दुःखोदपीतशोभनं नमामि नन्दनन्दनं विभङ्गदेहसुन्दरं नखादुतीर्थुदाकरं अमूल्यरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनं सुगन्धाङ्गसौरव लाञ्छनं नमामि नन्दनन्दनं वृन्दावनं सुनागरं विलासनुगभासकं सुरेन्द्रगर्भमोचनं नमामि नन्दनन्दनं व्रजाङ्गनासुनायकं सदा सुखप्रदायकं जगन्मनं प्रलोभनं नमामि नन्दनन्दनं त्रिनन्दनन्दनार्चकं पटेजसदयान्वितं हरेर्भवाद्विभूतरं लभे सदाम्बिकं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं निकाल दो कृष्णदेव भवन्तं वन्दे 216 कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे मनमानस मधुकर मार्पय निज पद पंकज मकरन्दे मन मानस मधुकर मर्पय पंकज मकरन्दे कृष्णदेव नटवन खगमरीति यद्यपि समाधि ऐदन्विषामिनिषं नटवाचुक तदपि कृपाभूतवीति जगति माधव न त्वयि मम तिल माते परमेश्वर ता तदपि तवाधिक दुर्गत घटन विभाते कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्ण
कलिताद्भुत रस भार निवचतुनीत प्रियामृत निन्दिनि बिन्दन मधुरि मकार शायद चीनी दिया कि नहीं शायद चीनी दिया कि नहीं दिया ना फूल रख दिया कोई फूल का माला है कोई फूल का माला नहीं है हाँ या सति लेते ललित सखि गुण रमित विसाखे वृषभानुगादि नव सति लेते ललित सखि गुण रमित विसाखे Krishna
हरे हरे
प्रेमानंदे। 10 मिनट कथा सुन लेते हैं, ठीक है। ओम ज्ञानतिमिरां दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमात भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंदों के चरण में यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज एक विशेष तिथि है और ये जो महीना भी विशेष महीना है, इसलिए महीना का नाम श्री राधा दामोदर मास है और इसका नाम दो दामोदर है, एक जसोदा दामोदर और एक राधा दामोदर। और ये जो महीना को ऊर्जा व्रत नियम सेवा कार्तिक व्रत अलग अलग नाम से ये महीना को पुकारते हैं। कहते इसका नाम राधा दामोदर मास क्यों पड़ा, नाम किया है किस लिए, बोले कारण है इसी महीना में ही भगवान की अक्सर करके लीला हुई है। इसी महीना में ही कृष्ण ने घर घर में जाकर के मक्खन चुराया, इसलिए मैया जसोदा ने कृष्ण को उखल में बांध दिया था। इसलिए भगवान अनंत और असीम है, जिसका बाहर नहीं जिसका भीतर भी नहीं, लेकिन होते हुए भी इसी महीना में कृष्ण को मैया ने उखल में बांध दिया था, इसलिए ये महीना का नाम श्री दामोदर महीना है। और दूसरा जो दामोदर एक है राधा दामोदर। राधा दामोदर नाम क्यों पड़ा, जब भगवान कृष्ण ने रासलीला की, जब रासलीला में जिस समय गोपियों का सौभाग्य मद हो गया, हमसे बड़ा सौभाग्यवान जगत में कोई है ही नहीं, क्योंकि एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण हैं। इसलिए अगर कोई गोपी जो एक आंख में काजल पहन करके आई थी, कृष्ण उसको दूसरे आंख में काजल पहना दिया, जो आधा कपड़ा पहना करके आई थी, कृष्ण उसको पूरा कपड़ा पहना दिया, जो गले की हार को कमर में, कमर की करधन को गले में पहन लिया, कृष्ण उसको सही श्रृंगार कर दी। सिखा देते हैं अगर हमें कोई श्रृंगार करा सकता है, कौन करा सकता है, ठाकुर ही करा सकते हैं। इसलिए इतने में अगर जब कोई पसीना निकले, कृष्ण अपना दुपट्टा से गोपियों की पसीना भी पोंछ रहे थे, कभी कभी कृष्ण कह रहे थे क्या थक गए हो, थोड़ा प्यार दबा दो। इतने में गोपियों के अंदर में तो बड़ा सौभाग्य मद, बोले हमसे पृथ्वी में हमसे सौभाग्य जगत में कोई नहीं, किंतु गोपियाँ कृष्ण दूसरे गोपियों के पास में भी ये चीज़ नहीं देख रही थी, गोपियाँ देख रही थी कृष्ण केवल हमारी पास में, इसलिए इनके अंदर में सौभाग्य मद प्रकट हुआ है। सौभाग्य मत मतलब जगत में हम सबसे बड़े सौभाग्यवती, देखो कृष्ण हमें कितने प्यार करते हैं। लेकिन राधा रानी के अंदर में हो गया मान,
अकेली राधा रानी देख रही थी कृष्ण मेरे पास में भी है और कृष्ण सबके पास में, कृष्ण एक एक रूप में, इसलिए राधा रानी का मान हो गई। और गोपियाँ सोची राधा रानी की कोई जरूरत नहीं, हम तो स्वयं स्वतंत्र नायिका है, हम तो स्वयं पूर्ण। इसलिए इतने में कृष्ण गोपियों की सौभाग्य मद को दूर करने के लिए, राधा रानी की मान को प्रशमित करने के लिए कृष्ण वहीं से अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान होकर के कृष्ण के कुंज में गए और एक सुंदर श्यामा सखी का रूप धारण किया और बोले देखो हम चलो, हम जोड़ा जोड़ा होकर के कृष्ण को ढूंढने जाएंगे। इतने में कृष्ण ने क्या किया, राधा रानी का हाथ पकड़ लिया, राधा रानी को पता नहीं चला और कृष्ण राधा रानी को ले गए कुंज में और बड़े सुंदर राधा रानी को श्रृंगार की। जब श्रृंगार की इतने में राधा रानी के अंदर में भी सौभाग्य मत आया, देखो कृष्ण सबको छोड़ करके मेरे साथ में आए हैं, कृष्ण सबको छोड़ दिए केवल मेरे को श्रृंगार कर रहे हैं और मेरे को प्यार कर रहे हैं। इतने में गोपियां जब ढूंढते ढूंढते पास में आई, कृष्ण बोले राधे चलो जल्दी चले जाते हैं। बोले क्यों, कृष्ण सोच रहे हैं अगर गोपियां आकर के देख लिया केवल राधा जी को मैं लेकर के आया हूँ, फिर गोपियों के अंदर में भी मान हो जाएगा, कृष्ण हमको छोड़कर अकेले राधा जी को लेकर के आए, फिर ये महाराज से संभव नहीं हो पाएगा। इतने में कृष्ण बोले हे राधे चलो हम यहाँ से और कहीं चले जाते हैं। अभी राधा रानी सोच रही हैं मैंने गलत किया है, मैंने सही जो काम किया सही नहीं किया, जैसे मैं सब कुछ छोड़ करके कृष्ण के लिए दीवानी बनी, ये गोपियाँ तो सब कुछ छोड़ करके कृष्ण के लिए आई, लेकिन ये गोपियाँ कौन हैं, राधा जी की काय भी हो राधा रानी का प्रकाश है। इसलिए देखो कृष्ण विरह में गोपियाँ कैसे तड़फड़ा रही हैं, विरह में व्याकुल हो रही हैं। इसलिए कृष्ण जब बोले और कहीं चले जाओ, राधा रानी सोच रही हैं अगर मैं थोड़ी मानी नहीं हो जाऊँ, कृष्ण थोड़ी सी मेरे को मनाना शुरू कर दे, इतने में गोपियाँ आ जाएगी ना फिर सब मिलकर के रास करेंगी। इतने में कृष्ण बोले चलो चलो और कहीं चले जाते हैं। राधा रानी बोली मैं नहीं चल सकती हूँ, जैसे आप मेरे को वहाँ से उठा करके ले आए थे ना ऐसे उठा करके ले जाओ। बोले क्या कंधे पर बैठो, बोले बैठाओ। बस जब बैठने के लिए गई वहीं पर श्री कृष्ण अंतर ध्यान होते हैं और वहीं पर श्रीमती राधा रानी हा कृष्ण हा प्रेस करते 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 कृष्ण वहीं, राधा रानी वहीं बेहोश हो जाती हैं। फिर गोपियाँ आकर के उनकी हाँ उसको होश दिलाती हैं, कहते देखो कृष्ण को उनका भजन बहुत प्यारा है, चलो हम जमुना किनारे में बैठी करके कृष्ण की हम गोपी गीत गाएंगे। जब उन्होंने फिर गोपी गीत गाए फिर कृष्ण दोबारा प्रकट हुए गोपियों के बीच में। जब प्रकट हुए इतने में गोपियों ने अपना उत्तरियों को उतार करके वहाँ पर आसन बनाए, कृष्ण को बैठाए और क्या किया, कृष्ण का जो चादर था ना और राधा रानी का जो चुंदरी थी उन्होंने लेकर के कपड़े, जैसे शादी होता है ना जैसे गांठ बंधन करते हैं, ऐसे ही गोपियाँ एकदम अच्छे तरह से गांठ बांध दिए कृष्ण की चादर राधा रानी की चुंदरी से। बोले क्यों, बोले ये कृष्ण बड़े नटखट हैं और हमारी राधा रानी को छोड़कर बारंबार ये चले जाते हैं, ऐसे बांध दो राधा रानी, जैसे कृष्ण हमारी राधा रानी को छोड़ नहीं सके। इसलिए कौन सा महीना में हुई थी, इसी महीना में, इसलिए ये महीना का नाम क्या, राधा दामोदर मास इसी है। इसलिए जो अनंत असीम होते हुए भी जो राधा रानी के प्रेम में जो बसीभूत हो गए थे, इसी महीना में मैया उखल में बांधा था। इसलिए जैसे भगवान अनंत असीम होते हुए भी जैसे इनके प्रेम में बसीभूत हो गए, भगवान का वरदान है। अगर इसी महीना में मेरे लिए कोई भी थोड़ी सी भक्ति करेगा, इसी महीना में जैसे आप लोग आ रहे हैं ठाकुर जी का आरती दर्शन किया और जो हम जो भजन गा रहे थे ना अभी उसी भजन को हम सुनेंगे, उसकी व्याख्या सुनेंगे। इसलिए इसी महीना में, इसलिए रुक्मिणी कृष्ण को, रुक्मिणी सत्यभामा कृष्ण को कैसे प्राप्त किया, इसी महीना में ठाकुर को दिया दिखाया करती थी रुक्मिणी सत्यभामा। और इसी महीना में ही ये जो राधा दामोदर व्रत को उन्होंने पाठ किया है, इसलिए ठाकुर जी उनको अपना प्रियतम रूप में, कृष्ण उनको पति रूप में प्राप्त हुए हैं। इसलिए इसी महीना में जो इसको रोज पढ़ेगा है, इसको रोज पढ़ेगा, ठाकुर को दीप दान देगा, एक दिन ठाकुर जी उनको अपना प्रियतम रूप में ठाकुर जी उनको कृष्ण को प्राप्त होंगे। बस कृष्ण मिल गए तो हो गया, हमारी जन्म मृत्यु दुख कष्ट चिरकाल के लिए खत्म, ठाकुर जी अपना हमें अपना चरण में स्थान दे देंगे। इसलिए ये जो महीना है इसी महीना में ही कंस को ठाकुर ने वध किया है, इसी महीना में, और इसी महीना में
भगवान गिरिराज गोवर्धन ठाकुर जी, गिरिराज महाराज की। जोर से बोलो, सब सो रहे हो, बोले गिरिराज महाराज की। इसलिए इसी महीना में एक ठाकुर जी ने श्री गिरिराज गोवर्धन को ठाकुर जी इसी महीना में उठाए, और इसी महीना में ही है ये अन्नकूट महोत्सव, इसी महीना में इंद्र का दर्प को भगवान ने चूर्ण किया है, इसी महीना में करी करी मक्खन चोरी ठाकुर जी इसी महीना में किए, इसी महीना में ठाकुर की अक्सर करके प्राय लीला इसी महीना में हुई ठाकुर जी की, और इसी महीना में हमारे संप्रदाय के बहुत बड़े बड़े संत लोगों ने जन्म लिया, किसने शरीर छोड़ा, किसने जन्म लिया। इसी महीना जो शुरुआत में आज किसका तिरुभाव है, हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज का आज का दिन उन्होंने शरीर छोड़े, अपना नित्य धाम में इसी महीना में ही अपना नित्य धाम में गए। इसलिए इनकी जो कथा हम शाम को सब लोग आना है, शाम को आज भंडारा है, शाम को उत्सव है, और सब लोग आना, और उनकी जो दिव्य जो चरित्र है, उनकी जो कथा है, आज शाम को उनकी कथा सुनेंगे, और कल से हम सुनेंगे वृंदावन की धाम की जो परिक्रमा की कथा है उसको सुनेंगे, ठीक है। और इसी महीना में मेरे गुरुदेव श्रील भक्ति नित्यलीला प्रविष्ट श्रील भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज, इसी महीना में ही इनका जन्म भी, इसी महीना में भक्ति दैत श्री माधव गोस्वामी महाराज, इसी महीना में उनका तिथि है, इसी महीना में श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, इसी महीना में ही उन्होंने जन्म ग्रहण किया, इसी महीना में हमारे भक्ति वेदांत श्रील भावन गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, इसी महीना में ही उन्होंने एक का तिरुभाव और एक का आविर्भाव, इसी महीना में श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, इसी महीना में ही उन्होंने भी जन्म लिए, इसी महीना में श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, इसी महीना में ही उन्होंने आविर्भाव हुए। इसलिए इसी महीना में इतने संतों का चरित्र है, इतने संत लोग आए, और कितने संत लोग इसी महीना में शरीर भी छोड़े इसी महीना में, इसलिए ये महीना की विशेष विशेष महत्व इसी महीना में महीना की, और इसी महीना श्री ठाकुर जी की राधा दामोदर व्रत भी इसी महीना में ही हुई है। इसलिए आज हम लोग जो नमामि स्वरम जो श्लोक है उसको 10 मिनट शुरुआत कर देते हैं, फिर कल से इसको कंटिन्यू रोज रोज 10 मिनट 15 मिनट करके सुनेंगे, ठीक है। जो इसका जो पहला श्लोक है, बोले नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूप जो स्तुति है इसका जो पहला शब्द नमामि, नमामि मतलब क्या होता है, भगवान के चरण में शरणागत, पर ठाकुर जी को हम प्रणाम करते हैं। इसलिए कहते भक्ति दो तरह का है, कितने तरह का है, कहते एक वैधी भक्ति और एक रागानुगा भक्ति, दो तरह का भक्ति है। इसलिए ये सबसे पहले ये वैधी भक्ति मतलब भगवान के चरण में ये प्रणाम करते हैं, क्योंकि कोई एक साथ में कोई छलांग नहीं लगा सकता है, जैसे क्लास 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही धीरे 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 जीव स्टेप बाय स्टेप भक्ति में चढ़ सकता है, हैं, ये भक्ति का नियम है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताए, क्या बताए, उनने बताया आदौ श्रद्धा, उसके बाद में साधु संग होगा, उसके बाद में फिर भजन क्रिया, उसके बाद में फिर ये अनर्थ निवृत्ति होगा, उसके बाद में फिर रुचि होगा, उसके बाद में निष्ठा होगा, उसके बाद में आसक्ति होगी, फिर भाव, फिर प्रेम, फिर भगवत प्राप्ति, एक साथ में हम कोई छलांग नहीं लगा सकते। लेकिन ऐसे कुछ कुछ संप्रदाय का लोग है, वो पहले ही आते ही है ना,
जो शौच क्रिया करे कि कितना बार हाथ धोना जो नहीं जानते हैं उनको कह देते तू ये गोपी और तुम्हारी ये मंजरी तुम्हारी ये वस्त्र ये नाम, कहते नहीं ये नियम नहीं है, हम एक साथ में पीएचडी नहीं कर सकते हैं। करम भाई धीरे 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 जाएंगे, इसलिए श्री रूप गोस्वामी उन्होंने उपदेशामृत ग्रंथ लिखे, पहले वाच बेगम मनस क्रोध बेगम जिह्वा बेगम उदर उपस्थ बेगम, पहले अपना इंद्रियों को कंट्रोल करो, पहले गंधी चीज को छोड़ो, पहले संतों का संग करो, धीरे 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 जैसे एक बच्चा क्लास 1 2 3 4 5 धीरे 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 एम ए पी एच डी करता है, हैं? इसलिए पहला भक्ति वैध भक्ति है, वैध भक्ति मतलब शास्त्र का विधि विधान को मान करके जो धीरे धीरे चलता है। जैसे देखना एक छोटा बच्चे को पहले जब हम स्कूल भेजते हैं वो जाना चाहता है, रोता है, बोले मैं नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा, पिता माता क्या करते हैं उसको अलग अलग चीज के लोभ दिखा करके, बोले बेटा चलो तेरे साथ में मैं खुद जाती हूँ, माँ खुद हाथ पकड़ कर ले जाती है, एक घंटा बैठती है उसको ले आती है, और ऐसे लेते 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 उसको जब आदत बन जाती है ना फिर जाए बगैर रह नहीं सकता है बच्चा, फिर जाए बगैर रह नहीं सकता, क्यों वहाँ बहुत सारे फ्रेंड मिलते हैं दोस्त मिलते हैं उनको साथ में खेलता है। क्या ठीक उसी तरह जो भक्ति पहला भक्ति, इसलिए प्रभुपाद ने बताए विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न धाने राग मार्गे करान प्रवेश, मतलब है ये विधि विधान को पालन करते 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 धीरे धीरे फिर यही राग भक्ति में परिणत हो जाता है। इसलिए इन्होंने जो पहला जो शब्द प्रयोग किया है नमामि, मतलब हे ठाकुर जी आपके चरण में हम प्रणाम करते हैं, नमामि मतलब क्या है भगवान के चरण में प्रणाम करने का बड़ा महत्व है। शास्त्र में बताया सकृत प्रणाम कृष्णस्य मातृस्तन पिबेत नहीं, अगर एक बार कोई ठाकुर को प्रणाम कर दिया ना कहते माँ के पेट में फिर तुमको जाना नहीं पड़ेगा, माँ के दूध ही नहीं पीना पड़ेगा, माँ के दूध कब पियोगे जब पेट में जाओगे, मतलब तुम्हारी जन्म मृत्यु तो समाप्त। एक बार कोई ठाकुर जी को प्रणाम कर ले तो हैं, इसलिए जब महाराज जम दूतों को कहते हैं बोले किसको किसको मेरे पास में ले आओगे, जम स्वयं कहते हैं बोले कृष्णाय नमति जत सिर एकदापि, है जो एक बार भी ठाकुर का चरण में अपना सर को नहीं झुकाया उनको मेरे पास में ले आना। हम बोलेंगे हम तो कितना बार ठाकुर के चरण में सर झुकाते हैं, रोज ही 2-4 बार सर रोज रोज झुकाते हैं। हाँ देखो इसमें जो नम शब्द बताया, नम मतलब होता है अहंकार छोड़ करके, अहंकार को छोड़ करके संपूर्ण रूप में ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो जाना, ठाकुर जी हैं आप मेरे, मैं आपका हूँ, हैं इसलिए आपका चरण में हम संपूर्ण आपका चरण में शरणागत हो रहा हूँ। इसलिए अहंकार छोड़ करके सारे अभिमान छोड़ करके जो प्रभु के चरण में एक बार प्रणाम, जैसे श्री विभीषण, विभीषण का नाम सुने ना, उन्होंने प्रभु राम का चरण में एक बार आकर के शरणागत हो गई। भगवान राम क्या कहते हैं बोले सकृत एव प्रपर्णा जस तवाम स्मितत जाचते अभयम सर्वदा तस्मय ददाम एतत व्रतम मम, भगवान राम कहते हैं जो एक बार मेरे शरण में आ जाता है कहते ठाकुर जी मैं तुम्हारा हूँ, भगवान राम कहते हैं अभयम सर्वदा तस्मय, मैं हर समय उसको अभय प्रदान करता हूँ, ये मेरे व्रत है। इसलिए यहाँ जो पहला शब्द क्या शब्द है नमामि, हे ठाकुर जी आपके चरण में मैं प्रणाम करता हूँ, मतलब क्या आप मेरे और मैं आपका हूँ, इसलिए ये पहला शब्द उन्होंने नमामि शब्द प्रयोग किया। अब जितने सारे शास्त्र देखो जैसे भागवत में वहाँ पर बोले सत्यम परम धीमहि, हम वो परम सत्य को हम ध्यान करते हैं, पद्म पुराण में सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सब के सब प्रभु के चरण में प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जब स्तुति करते हैं बोले नव मिड्डते अभ्र वपुषे तड़ितंबराय, वहाँ भी कहते नवमी प्रभु ठाकुर जी तुम्हारे चरण में हम सब के सब प्रणाम करते हैं। इसलिए ठाकुर जी के चरण में प्रणाम करने का बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है। पुराण में कितने महिमा कत कोटि अश्वमेध यज्ञ कोई करे बोले कृष्ण प्रणाम नपुनर्भवाय,
कृष्ण को प्रणाम करने से संसार में जीव को आना नहीं पड़ता। इसलिए पहला जो शब्द नमामि, बोले किसको प्रणाम करें, बोले ईश्वरम। ईश्वर मतलब क्या है, ईश्वर मतलब क्या है, कहते हे को जो नहीं, नहीं को जो हे कर सकते हैं, दिन को जो रात, रात को जो दीन कर सकते हैं, जो सर्व कारण का जो कारण है, विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है, ऐसे जो ईश्वर भगवान कृष्ण नमामि स्वरम। ठीक है, आज कथा को हम यहीं विश्राम करते हैं, फिर कल से इसको आगे धीरे 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 बढ़ाएंगे, कैसे कृष्ण घर घर में मक्खन चोरी करते हैं, मैया कैसे कन्या को उखल में कैसे बांधती हैं, इस विषय पर आगे सुनेंगे। ठीक है, हाँ देखो आज हमारी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज तिथि, सबके सब शाम को सबके सब आना, ठीक है ना, उनकी कथा सुनेंगे। और अभी एक काम करेंगे, इधर सबके सब इधर आ जाओ, और उनके चरण में एक एक फूल दो, एक एक फूल उनका सबका हाथ में दे दो, एक एक फूल। मैं मंत्र पढ़ता हूँ, आप लोग मेरे पीछे पीछे पढ़ो, और उनके चरण में हम पुष्पांजलि देंगे, और वहाँ पर प्रसाद और चरणामृत, उनकी सब चरणामृत उनकी प्रसाद लेकर जाओ, जाओ सबका हाथ में एक एक फूल दे दो, सबका हाथ में एक फूल दे दो। सचिपुत्र माधुरी राधाकुंडम गिरीवरम प्राप्तर्जस्य प्रतित कृपया श्री गुरु तम नतोस्मि विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमान् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमर्त चरित्राय सदात्राय श्रीनाम प्रेम दायिने जय 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 उनको फूल लेने के लिए हमारे नगर गए दिल्ली गए, फूल लेकर गए कि शाम को अच्छे तरह से भंडारा भी सबको लेकर साथ में पूरा परिवार भी लेकर गया। प्लस भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज की जय। सत्य फिर भाव की जय। पिताई गौर पढ़ना।
दे दियो मुझे, ठीक है मैं भी ले लूँगा। दे दियो क्या ग्रंथ जो गुरुदेव बता रहे? कौन सा ग्रंथ दे दूँ? वो इनको दे दूँ ना? तुम भी पढ़ लो, पहले पहले तुम पढ़ लो, पहले तुम पढ़ लो। मैं फोटो खींच लूँगा ना और आपको वो ग्रंथ दे दूँगा, वापस दे देना। मैं अभी आपसे नोट लगा लूँगा, जाकर से भी पढ़ लूँगा, मेरे साथ लगा लूँगा, आपसे दे दो, मैं अभी पढ़ लूँगा जाकर से। दो मुझे वो पूरा ही है। और नहीं कौन किस में आ लिया जो जास तो जूस तो प्या नहीं देखो, वहाँ चरणा मृत सब चरण प्रभु जी बलराम प्रभु का चरणा मृत है, वहाँ चरणा मृत है सबका हाथ में तुम्हारा चरणा मृत है, सब चरणा मृत सब चरणा मृत ले जाओ, ले दिया चरणा मृत।